लाइफस्टाइल मेजर्स ही क्यों? क्योंकि डायबिटीज रिवर्सल या रेमिशन के बारे में अगर हम बात करते हैं तो ऐसी कोई मेडिसिन नहीं बनी जो रेमिशन और रिवर्सल में हेल्प करे। जो मेडिसिन हैं वो डायबिटीज मैनेज करने में हेल्प करती हैं, मतलब हमारी ब्लड शुगर्स को नॉर्मल रखने में, हमें डायबिटीज से कॉम्प्लिकेशन ना हो, इसमें हेल्प करती हैं। लेकिन अगर हम डायबिटीज के रूट कॉजेज की बात करें, जिनमें से एक बहुत बड़ा रूट कॉज है इंसुलिन रेजिस्टेंस, तो उस पे केवल लाइफस्टाइल मेजर्स ही काम करते हैं, केवल लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस ही काम करती हैं। तो वो कौन सी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस हैं जिन पे काम करने से हम रिवर्सल की डायरेक्शन में जा सकते हैं? तो सबसे पहले बात करते हैं डाइट के बारे में। क्या होना चाहिए आपके डाइट में? आपके डाइट में जो अच्छी क्वांटिटी में होना चाहिए वो है हरी सब्जियाँ, फल, नट्स, सीड्स, प्लांट प्रोटीन्स जैसे कि दालें, राजमा, चने इत्यादि। क्या कम होना चाहिए आपके डाइट में या मिनिमम होना चाहिए वो है प्रोसेस्ड फूड, रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स और ऑयल। ऑयल की क्वांटिटी जितना आप कम कर सकते हैं उतना अच्छा। अगर आप मिनिमम ऑयल या बिना ऑयल के खाना बना सकते हैं वो और भी अच्छा, क्योंकि लाइपोटॉक्सिसिटी इंसुलिन रेजिस्टेंस का एक मूल कारण है, और अगर हम ऑयल्स की मात्रा बहुत ज़्यादा रखते हैं डाइट में तो वो लाइपोटॉक्सिसिटी यानी कि एक्सेस फैट का होना बॉडी में ठीक नहीं हो सकता डाइट में। इसके अलावा जो और ध्यान देने वाली बात है वो ये है कि जो हमें एक डायबिटिक्स में खास करके जो दो दो घंटे बाद कुछ कुछ देर बाद खाने की आदत होती है उस पर फोकस करना ज़रूरी है कि ये ना हो, क्योंकि जब ऐसा होता है तो हम अपने इंसुलिन पर लोड डालते हैं। इसके अलावा ये बहुत ज़रूरी है कि हमारे डाइट में फाइबर की क्वांटिटी अच्छी हो। वो इसलिए क्योंकि फाइबर ना केवल कोलेस्ट्रॉल को कम करता है बल्कि शुगर स्पाइक्स को, जो कि डायबिटिक्स में कॉमन होता है, उसको भी कम करता है। तो फाइबर मिलेगा कहाँ से? नेचुरल जो प्लांट बेस्ड चीज़ें हैं उन सब में फाइबर होता है। तो आप अपने डाइट को फाइबर, अपने डाइट में फाइबर बढ़ाने के बारे में ज़रूर सोचें। जब आप ज़्यादा फल सब्जियाँ हरी सब्जियाँ ये खाएंगे तो वो ऑटोमेटिकली उसकी क्वांटिटी इंक्रीज हो जाएगी, उसको बाहर से लेने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन जिसके बारे में मैं पहले बात करूँगी वो है स्ट्रेस। अगर आपकी लाइफ में स्ट्रेस है तो आपके ब्लड ग्लूकोज लेवल्स हाई होंगे, आपका बॉडी में इंसुलिन कम होगा और आपकी शुगर या डायबिटीज रिवर्सल की जर्नी ठीक से नहीं हो पाएगी। तो स्ट्रेस लेवल्स पे जिस भी तरह से आपको लगता है ज़रूर काम करें, चाहे वो माइंडफुलनेस टेक्निक्स हो गई, प्राणायाम, मेडिटेशन, अपने दोस्तों और फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना, जो भी आपके लिए काम करता है वो टेक्निक्स रोज़ की ज़िंदगी में ज़रूर अपनाएं। थर्ड इज एक्सरसाइज। बहुत बार देखा गया कि लोग केवल वॉक को एक्सरसाइज मानते हैं। वॉक करना ज़रूरी है, वॉक भी एक फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज है, लेकिन डायबिटीज वाले पेशेंट्स में अगर हम रिवर्सल की बात कर रहे हैं तो लार्ज मसल्स की एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है, जिसे हम स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी कहते हैं, क्योंकि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करने से इंसुलिन रेजिस्टेंस कम होती है यानी कि इंसुलिन की सेंसिटिविटी बढ़ती है और रिवर्सल में बहुत हेल्प होती है। तो आप घर पे एक्सरसाइजेस कर सकते हैं जैसे कि स्क्वाट्स, लंजेस, प्लैंक, बाइसेप कर्ल्स, ट्राइसेप एक्सटेंशंस, एब्डोमिनल क्रंचेस, ये सब एक्सरसाइजेस घर में ईजिली हो सकती हैं। आप डंबल्स भी यूज़ कर सकते हैं, कुछ एक्सरसाइजेस में अपना बॉडी वेट भी यूज़ होता है। इसके अलावा योगा ज़रूर करें, बिकॉज योगा से पैनक्रियास को भी एक स्क्वीज मिलता है जिससे कि इंसुलिन आउटपुट इंक्रीज़ होती है। योगा में आसन जैसे कि पश्चिमोत्तासन, फॉरवर्ड बेंडिंग पोज जैसे कि चाइल्ड पोज, सूर्य नमस्कार, ये सब डायबिटीज रिवर्सल में बहुत लाभदायक है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये सब कर रहे हैं लेकिन नींद की तरफ ध्यान नहीं दे रहे तो ये सब करने का भी कोई फ़ायदा नहीं। कम से कम 7 घंटे की नींद और अच्छी क्वालिटी ऑफ नींद, अच्छी क्वालिटी की स्लीप पे ज़रूर फोकस करें, क्योंकि ये करने से आपकी इंसुलिन रेजिस्टेंस कम होगी, स्ट्रेस लेवल्स कम होंगे और डायबिटीज़ रिवर्सल में हेल्प मिलेगी। अगर आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब करें, और आप इसके बारे में कुछ और जानना चाहते हैं तो ज़रूर मैसेज कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।